रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के कैलाश चौधरी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने ए और बी टीम पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी हार की बौखलाहट है। भाटी ने कहा कि पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हार हो रही है, इसलिए एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने पर लगे हैं। बता दें कि ये तंज भाटी ने कैलाश चौधरी के बयान पर किया, जिस पे उन्होंने अशोक गहलोत और रविंद्र सिंह भाटी की मिली भगत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। वो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस नेता श्री अशोक गहलोत की ए टीम निकली। इस दौरान भाटी ने कैलाश चौधरी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। इसमें कहा कि आप आराम से हैंडपंप का पानी पीकर सो जाएं। 4 तारीख को जनता आपको जवाब देगी कि वो किसको चुनती है। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के कैलाश चौधरी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने ए और बी टीम पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी हार की बौखलाहट है। भाटी ने कहा कि पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हार हो रही है, इसलिए एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने पर लगे हैं। बता दें कि ये तंज भाटी ने कैलाश चौधरी के बयान पर किया, जिस पे उन्होंने अशोक गहलोत और रविंद्र सिंह भाटी की मिली भगत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। वो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस नेता श्री अशोक गहलोत की ए टीम निकली। इस दौरान भाटी ने कैलाश चौधरी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। इसमें कहा कि आप आराम से हैंडपंप का पानी पीकर सो जाएं। 4 तारीख को जनता आपको जवाब देगी कि वो किसको चुनती है। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के कैलाश चौधरी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने ए और बी टीम पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी हार की बौखलाहट है। भाटी ने कहा कि पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हार हो रही है, इसलिए एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने पर लगे हैं। बता दें कि ये तंज भाटी ने कैलाश चौधरी के बयान पर किया, जिस पे उन्होंने अशोक गहलोत और रविंद्र सिंह भाटी की मिली भगत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। वो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस नेता श्री अशोक गहलोत की ए टीम निकली। इस दौरान भाटी ने कैलाश चौधरी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। इसमें कहा कि आप आराम से हैंडपंप का पानी पीकर सो जाएं। 4 तारीख को जनता आपको जवाब देगी कि वो किसको चुनती है।